थैंक्स फॉर हेल्प लाइब्रेरी, जो इन्होंने मुझे आज आपके सामने बोलने का पेश होने का मौका दिया। मैं आज आपको फ्रोजन शोल्डर के बारे में एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज शो करने वाला हूँ। ये एक्सरसाइज है, बिना किसी हेल्प लिए आप 70 से 80% तक ठीक कर सकते हो। फ्रोजन शोल्डर एक ऐसी बीमारी है, जब इंसान को पता लगता है कि मुझे डॉक्टर कोई बोलता है कि फ्रोजन शोल्डर हुआ, तब तक मैं तो पूरा फ्रीज हो जाता है। उसके बाद कई तरह की जो पेशेंट को चक्कर काटना पड़ते हैं, जिसकी कोई जो इसमें से गुजरे हुए उसी को ही पता है, बाकी कोई बता नहीं सकता है। अभी देखा जाए तो ये होने का तो बहुत सारे कारण हैं, पर हम प्रैक्टिकल 4 से 5 कारण ऐसे हैं कि वो मोस्टली ज़्यादातर केस के अंदर फ्रोजन शोल्डर में 5 ही 1 कारण होते हैं। सबसे पहले होती है कम नींद, फिर सेकंड होता है हाथ को पीछे की साइड नहीं लेके जाना एक्सरसाइज, थर्ड होता है हमारा चेंज ऑफ पोस्चर, फोर्थ होता है हमारा नेक का तकलीफ, नेक का प्रॉब्लम उसकी वजह से, और 5 सडन जरक उस चीज से होते हैं। अभी जो सडन जरक से होता है वो जल्दी ठीक हो जाता है, क्योंकि वो अफेक्टेड पार्ट से कनेक्टिंग है, और बाकी जो 4 चीज़ों से हो रहा है उसको क्योर करने में टाइम लगता है। तो आज तक देखा जाए तो मेरी 40 ईयर की प्रैक्टिस के अंदर अनलिमिटेड फ्रोजन शोल्डर के केस आते हैं। अभी कई केस में तो 1 सेशन में ही 80 से 90% रिजल्ट मिल जाता है, और कई केस में 2 महीना लगता है, 3 महीना लगता है। अभी रिजल्ट एज के ऊपर, आपके मसल्स कितने स्ट्रॉन्ग है उसके ऊपर, आपकी बीमारियां आगे कितनी हैं उसके ऊपर, ये सारी चीज़ के ऊपर रिजल्ट डिपेंड करता है। तो मैं आपको इसके बारे में एकदम इजी एक्सरसाइज क्या है वो आपको आज शो करता हूँ। तो अभी इसमें से आप में से कोई खबर से फ्रोजन शोल्डर से हाथ देख लीजिए, किसी का पीछे जा नहीं रहा हो पूरा कंप्लीट, तो वो साहब यहाँ आ जाए, मैं पहले उनको शो करूँ। किसी का भी हाथ पूरा पीछे नहीं जा रहा हो, तकलीफ हो रहा है, वो साहब आए तो मच बेटर होएगा, मैं बताऊँगा, उससे अच्छा प्रैक्टिकल आप अपने आप से बताएंगे तो और अच्छा रहेगा। सर अभी इसके अंदर कई लोग हैं, इनके हाथ ऐसे एकदम सडन पकड़ लेते हैं, उनको भी फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, जो गौमा खसन करते ही करते हैं। तो सडन कोई भी पार्ट एकदम जेंट्स का या लेडीज का एकदम रबर की माफिक हो जाए तो उसको बोला जाता है नो टोन ऑफ मसल्स। तो जिसके पकड़ लेता है वैसे, हाँ नहीं नहीं एकदम रबर के जैसे होते हैं ना, अच्छा, अच्छा, कोई फुली भी बोलता है ऊंचा है मैं फ्लेक्सिबल, अच्छा फ्लेक्सिबल वो बोलता है फुल्ली फ्लेक्सिबल, तो नो टोन ऑफ मसल्स, नो टोन ऑफ मसल्स, हाँ मसल्स में टोन ही नहीं है, अच्छा नो टोन, तो मसल्स में जिसके टोन नहीं होगा वो उसे तो कैसे भी रबर के माफिक आप ही ले लो, तो उसको पेन ज़्यादातर खाली बैक में आएगा।
अदर जब उतर रहा है दादर स्टेप तब आएगा, चढ़ने के टाइम नहीं आएगा। तो ये जो फ्रोजन शोल्डर है, अभी सर आपका हाथ पहले देख लीजिए कितना पीछे जा रहा है, नहीं ऐसे हाँ अपने आप से देख लीजिए इतना गया, हाँ अभी इधर पीछे कितना जा रहा है अपने आप से, हाँ हाँ अच्छा अभी ये ऐसा पीछे कितना पीछे जा रहा है ये देख लीजिए दोनों हाथ, हाँ 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 इतना जा रहा है, हाँ हाँ अभी दूसरा हाथ देख लीजिए, हाँ लेफ्ट हैंड ऊपर हाँ 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 अभी ये दोनों हाथ ऐसे ले लीजिए कितना जा रहा है, हाँ नहीं हाँ नहीं नहीं जितना जा रहे हो, मैं आपको एक्सरसाइज शो कर रहा हूँ, जबरदस्ती नहीं है, हाँ हाँ आप तो अभी मास्टर है ना, हाँ 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 बैठिए अभी ये इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज, ये अभी इनका अगर डायग्नोस किया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अभी सडन एज के बाद में इनका चेंज ऑफ पोस्चर हो रहा है, तो पोस्चर चेंज होने की वजह से ये जो एकदम सडन पीछे आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, थोड़ी नेक इनकी स्टीप है, तो देखा जाए तो ज़्यादा कोई कारण नहीं है, अभी जितना ये पोस्चर ये भाग पीछे उनका जाएगा इतना ही रिलैक्स होगा, रखिए हाथ ऐसे कीजिए टाइट करके, हाँ ये मैं अभी दे रहा हूँ, वन करते जाइए नीचे तक, टू करते जाइए, हाँ थ्री सब लोग करिए, फोर फाइव पूरा 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 सर, हाँ सिक्स यार नहीं हाँ 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 सेवन एट नाइन टेन, सर किसी का भी हाथ ये देखिए ऐसे बेंड होएंगे तो नो बेनिफिट, ऐसे लंबे होएंगे तो बेनिफिट है, हाँ जी बड़े कम जाए, और सर 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 आप पैर छोड़ दीजिए घुटनों का तकलीफ होगा, हाँ अदरवाइज आपको ही घुटनों का तकलीफ होगा सर, हाँ हाँ अभी देखिए एक बार उठ के कितना फ्री हुआ आपको लगा, पहले से हाथ थोड़ा नीचे गया थोड़ा गया, दूसरा हाथ से देखिए थोड़ा सा आया, तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज, अभी सेकंड एक्सरसाइज इसके अंदर बैठ जाइए सर, सर एक मिनट आप खड़े हो जाइए, मैं जरा आप फोन बाजी थे आइए आइए आप इधर ही आइए, हिन बाजी थे ना खुशी कर दी, हाँ वो अच्छे दिखा दो ना, हाँ बैठिए, हाँ आप बैठिए इसके ऊपर, देखो मैं बता रहा हूँ, मैं आपको शो कर रहा हूँ वैसे आपको करने का है, कैसा हाँ समझिए, हाँ ऐसे पीछे लेना है, ये दूसरा हाथ, हाँ थोड़ा सा लेके ये जितना पीछे लेके एक से पच्चीस गिनो जितना हो सके, चाहिए तो ऐसे साथ में करो, आप लोग ऐसा ले लीजिए पीछे नहीं होएगा, एक सेकंड, हाँ सर वॉच निकाल लीजिए बेटा, नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं है नहीं है ऑप्शन नहीं है, हाँ हाँ करो करो पीछे, हाँ हाँ टाइट, हाँ नहीं नहीं बस बस ये दूसरा, अभी इससे ये एक्सरसाइज से जो हाथ आपका पीछे नहीं जा रहा है वो ओपन होना शुरू होएगा, और ये पोस्चर यहाँ जो दब रहा है सारा दिन ये इसमें खिंचाव आना चाहिए, अच्छा मसल्स थोड़े रिलैक्स, या मसल्स जितने रिलैक्स होंगे इतना हाथ आपका पीछे की साइड में जाएगा, एक से लेके दो मिनट तीन मिनट चार मिनट पाँच मिनट आप जितना मिनट रख सको उतना टाइम खाली आपको रखने का है, अच्छा खिंचाव खिंचाव में या ये खिंचाव आएगा तो सारा दिन में इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा, ये अपर पार्ट जो है अपर बैक वो एकदम रिलैक्स होएगी, तो ये शोल्डर जो सारा दिन ये जो आपका कंधे दर्द होता है वो फ्री हो जाएंगे, मतलब कंधे और पीठ दोनों को बेनिफिट, दोनों को बेनिफिट मिलेगा, और थोड़ा सा पोस्चर सीधा होते जाएगा, ओके तो उसमें क्या होएगा जो चलते टाइम थक जाते हो थाक में लंग्स थोड़ा सा ओपन होएगा 5% 10%, तो थोड़ा सा आपको इसमें आराम मिलेगा,
अभी देखिए उठ के, अभी हाथ देखिए कितना पीछे गया आपका, फिर आइए खड़े होके देखिए। हाँ आया थोड़ा और ऊपर, दूसरा हाथ देखिए। हाँ ये कम, तो धीरे धीरे आ जाएगा, नहीं नहीं हाँ नहीं, अभी इसके अंदर थर्ड, अभी तीसरी एक्सरसाइज में बता रहा हूँ, फ्रोजन शोल्डर में थर्ड, हाथ ऐसे लेने का है आस्ते करके लीजिए, आइए आइए। हाँ ऐसे सर, ऐसे हाँ हाँ हाँ, थोड़ा आगे जाइए। हाँ बस, हाँ जितना ऊपर लेंगे आप सब कर सकते हो, अब सब लोग कर सकते हो। हाँ सब कर, सब ऐसे नहीं, दीवार के ऊपर दीवार, आप सब लोग कर सकते हो ऐसे। देखिए ये जैसे खड़े हैं, हाँ हाँ जी सर, हाँ करिए, हाँ हाँ जी, हाँ हाँ ऐसे, हाँ बराबर, हाँ जी पापा थोड़ो आगड़ा छो पहले पगड़ो। हाँ बस बस आराम से उबार, हाँ खड़ी जितना खड़ा होके करेंगे आप। हाँ हाँ नहीं नहीं जितना आ रहा है इतना, जितना और पास लेंगे उतना अच्छा है। हाँ नहीं लंबा लेंगे, लंबा इसमें इसमें जितना लंबा लोगे ओके ओके इतना बेनिफिट ज़्यादा। मुझे लगा कि पास लेंगे, नहीं नहीं तभी खुलेगा, ये देखिए। हाँ ये दो मिनट से तीन मिनट चार मिनट आपसे जितना टाइम रुक सके इतना। हाँ जी आइए आइए सर, सिट डाउन। हाँ अभी देखिए इन साहब का हाथ, इसमें नेक में नेक को भी नहीं, सब 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 पूरा खिंचा हुआ है। अभी आप देखिए कितना आया, नहीं नहीं आप इधर ही आइए, आया और ऊपर थोड़ा। हाँ हाँ देखिए, हाँ और ऐसे लीजिए दूसरा, देखिए आया थोड़ा इसमें थोड़ा। हाँ अभी वो भी आ जाएगा, आ जाएगा। नहीं नहीं मैं अपने आप से आपके हाथ से कैसे आप क्योर हो जाओ वो मैं समझा रहा हूँ। मैं ट्रीटमेंट नहीं नहीं इनका हाथ में नहीं होता है, ये नहीं है मसल्स में टोन नहीं है। हाँ अभी इसको देखिए धीरे से कुर्सी के ऊपर बैठने का है, ये देखिए इसको वजन को ऐसे करके लेने का है आस्ते आस्ते। हाँ जो ट्रैक्शन है ये है, वैसा आप रेती ले सैंड ले सकते, कोई भी चीज़ कोई भी चीज़ लेके एक डब्बे में डाल लीजिए, घर में आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो। चलिए नहीं नहीं ऐसे ही बैठिए हर चलिए पहले, हाँ एक मिनट हाँ ऐसे, हाँ ऐसे हाँ देखिए हाँ पहले टर्न कर, हाँ 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 आपको जितना लगता है, नहीं मैं पकड़ा हुआ आपको। हाँ देखिए हाँ 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 जितना ये आस्ते आस्ते करेंगे ये देखो हाँ जी हाँ नहीं जितना जी लंबा रहेगा इतना हाँ उतना फास्ट रहेगा। वो फिर खड़ा रह के करा हुआ ठहरो ना पहले, ये लो हाँ खाली पकड़ के रखो, देखो ये अपने आप पुल आते जाएगा निकलते जाएगा। दूसरे हाथ में पकड़िए, हाँ लीजिए मैं पकड़ा जाएगा नहीं, हाँ अंगूठे हाँ 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 देखिए हाँ अभी आप दूसरा लीजिए हाथ चलेगा, हाँ करिए पीछे नहीं नहीं हाथ लीजिए एक बार एक बार, हाँ दो बार में और फ्री होएगा लीजिए एक सेकंड पकड़ लीजिए गांठ दे दिया ना उधर अच्छा हाँ नीचे इसको हाँ इधर गांठ हाँ
है हाँ ठहरो अभी और कुछ आएगा गांठ ठहरो 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 हाँ ये गांठ छोड़ दीजिए हाँ इसको गांठ कर लीजिए हाँ बस हाँ ये लीजिए आस्ते आस्ते हाँ ये देखो धीरे धीरे ये वजन कम है जितना वजन ज़्यादा होगा इतना फंस जाएगा पर आपके मुताबिक आपसे जितना सहन हो रहा है इतना बेहतर है देखिए हाँ 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 लीजिए दूसरा हाथ थोड़ा पीछे लेके हाँ इसको हाँ फ्री ये आप घर पे बैठे हो जब टीवी देख रहे हो अगर आप एवरीडे देते रहेंगे तो आपका पोस्चर खराब नहीं आएगा हाँ नहीं नहीं जरूरत नहीं अपने आप आएगा वो थोड़े दिन में तो अपने आप ऐसे हो जाएगा ना थोड़े दिन में हाथ है ना आपका ऐसा होना शुरू होएगा अच्छा हाँ एक घूमेगा आया ना क्या थोड़े दिन में घूमेगा अपने आप ये आप कभी भी कर सकते हैं जब टीवी देखते हैं सुबह चाय पीते हैं खाना खाने के बाद नहीं खाना खाने के नहीं तुरंत नहीं कर सकते हैं और ये चाय पीते हैं सुबह सुबह तभी थोड़ा सा एक सेंट का ले लीजिए तो आपका हाथ खब्बे फ्री हो जाएगा और दिन भर फुर्ती हो जाएगी आपको फुर्ती और शाम को जब थके हुए आते हैं तभी एक पाँच दस मिनट ले लेंगे तो दिन भर की थकान और इससे क्या होएगा कि आपको नींद बहुत फास्ट आएगी हाँ नहीं खाना खा के तो एक घंटे के बाद नहीं तो क्या होएगा किसी को गैस की तकलीफ होएगी किसी को कुछ होएगा एसिडिटी होएगा आजकल क्या है हर एक का अलग अलग प्रॉब्लम है तो एक डेढ़ घंटे का ड्यूरेशन रखा है इज मच बेटर या खाने से आधा घंटा पहले क्योंकि क्या है कि हर एक को ये हम लोग इंडिविजुअल नहीं देख रहे हैं इंडिविजुअल देख के दे सकते हैं इन जनरल देखिए अभी अभी देखिए पीछे पीछे देखिए हाथ देखो हाँ काफ़ी आया हाँ और पीछे दूसरा लीजिए हाथ आया अभी यही 10-15 दिन करेंगे तो सेकंड टाइम पे जब आएंगे तब आप बोलेंगे कि मेरा हाथ पूरा ऐसे टच करना टच हो जाएगा टच होने हाँ इसके अंदर अभी चाहो आप तो इसको खड़ा रह के भी आप कर सकते हो ये देखिए जितना लंबा खींच जाओ ये देखिए खड़े रह के ये देखिए मेरे हाथ जितना हाथ खाली खड़े रह के अभी हाँ मुझे देख लीजिए खाली कुछ नहीं करना ये देखिए अंगूठी में लिया ये लिया हाँ हाँ करिए पहले हाथ पीछे कर लो हाँ खाली पकड़ के देखो और ज़्यादा जाएगा ये आपको वाइब्रेशन आएगा तो यहाँ से सारी आपकी नर्व्स जो है जो दबी हुई है हाँ चलेगा करेगा तो भी ठीक है नहीं तो नहीं भी चलेगा नहीं भी चलेगा हाँ ये अपने आप खींचता रहेगा अपना काम ये करता रहेगा ये जो आपका ये जो इतने सालों की जो रीब है ये यहाँ से सब जो दबी हुई है वो सारा निकलते जाएगा और मेन जो अपर पार्ट से आप दुखी हो दुनिया भर के डॉक्टर्स को दिखा के भी जो क्योर नहीं होते हो वो इससे फास्ट रिलीफ हो जाएगा देखिए देखिए जितना आप बस पहले 2-2.5 किलो लीजिए फिर उसके बाद वजन थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाइए 1-1 किलो 3 किलो तक में तो हो जाएगा तो ये हुई हमारी आज की फ्रोजन सोलर की लंग्स भी आ गया हाँ तो ये अपने हमारी फ्रोजन शोल्डर की पहले 5 एक्सरसाइज मेन काफी है खुल गया खुल गया हाँ आइए आ जाइए हाँ नहीं मुझे लगा कि आप प्रोड्यूसर नहीं आप ही बोलोगे ना पब्लिक को निवेदन करो काफी अच्छा महसूस हो रहा है मसल्स रिलैक्स हो गए ये कंटिन्यूस करते रहूँगा तो जो भी अभी प्रॉब्लम है वो मेरा कम हो जाएगा थैंक यू वेरी मच हाँ पेन तो स्लाइट ज़्यादा नहीं ज़्यादा जैसे एक्सरसाइज करते समय जो प्ले पेन वो होता है वैसे ही है उतना और ये जो एक्सरसाइज है इससे आप बिना किसी भी सहारे से 80% ये 5 एक्सरसाइज दिखाया है 1 मंथ या 2 मंथ के ड्यूरेशन के अंदर से विदाउट साइड इफेक्ट विदाउट मेडिसिन जिसका आपकी शोल्डर बाहर निकल गया है वही लोगों को नहीं करने का है पूरा बाहर जो निकल गया है वो नहीं करने का है बाकी कोई भी
जिसका स्टीप होता है कोई भी जनरल इन जनरल पब्लिक कर सकता है, उसमें किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। सभी 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 में आ गया ये पूरा हाथ। पहले आप हाथ सारा दिन पीछे लेते थे, आज के टाइम में आपका हाथ पीछे नहीं जाता है, तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और सबसे अच्छा जिसको वर्टिगो का प्रॉब्लम है, चक्कर का, जो कहीं से भी वर्टिन टेबलेट वेबलेट नहीं जाता है, इससे पूरा कंट्रोल में आ जाएगा। वर्टिगो भी इससे कंट्रोल में आ जाएगा। सर्वाइकल कंट्रोल में, इसी से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो आप जो एक नेक ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं। हाँ एक ही है, जिसकी भी आदमी की शुगर बहुत लो होती है सुबह उठ के चक्कर आता है, तो उसको चाय पी के फिर शुरू करने का, अदरवाइज चक्कर बढ़ेगा। तो एडवाइस खाली दूसरा कुछ भी नहीं है मेन। और सबसे इसके अंदर ये जो मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ, एक बार तो मैंने एक कविता जी को लेके आया था, वो बेचारी 12 महीने से सब डॉक्टरों को घूम रही थी, ढूंढ रही थी उधर से उधर उधर से उधर। देखो बाकी ऐसा है कि हर पत्थी अपनी जगह से राइट है, ईच एंड एवरी आदमी ट्राई करता है बेटर टू बी बेटर वे, हर एक से हमारे को भी सीखने को मिलता है। हमने ये सारी जो सिस्टम आपको बता रहे हैं, ये इतनी पेशेंट देख के कर रहा हूँ, ये मेरी इंडिविजुअल प्रैक्टिस के हिसाब से निकाली हुई है। अच्छा ये कोई टेक्स्ट बुक का कि इसका किसी का भी नहीं है। क्यों तो मैं आपको बताऊं कि अभी आप जो समझो कि मुझे कभी भी कोई भी पेशेंट यंग एज का तो बहुत मिलना ही मुश्किल है, जो भी मुझ मेरे पास जो भी पेशेंट आने वाले हैं अफ्टर 60 के ऊपर वाले ही मिलते हैं। तो नेचुरल है ना, तकलीफ जब होती है तो उसके अंदर से वो जब मेरे पास डेढ़ दो साल में घूम घूम के जब आते हैं, तब तक मैं उन्होंने सारी चीज़ें आजमा ली है। अभी मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आई एम ए सुपीरियर बाकी अदर, नहीं, ईच एंड एवरी पर्सन अपने हिसाब से राइट है, सब अपनी ट्राई करते हैं। पर इसके अंदर क्या होता है, मेन जो फ्रोजन शोल्डर में सबसे बड़ी चीज़ है डायग्नोस। और डायग्नोस के लिए कोई बुक्स जो हम एक्सरे के सारे चल रहे हैं वो एक फर्स्ट स्टेप दिखा रहा है कि फलानी जगह से ये जाम हो गया है। उसके साथ में इंडिकेशन से जुड़ी हुई जो नर्व्स है मसल्स है वो एक्सरे नहीं दिखा पाते। तो हम जो एक्सरे से के रिपोर्ट से जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, रिपोर्ट में लिखा होगा कि भाई फ्रोजन शोल्डर हो गया है, तो उसके सारे नहीं निकल सकते हैं खाली हाथ के। अभी किसको भी बोलेंगे एकदम हाथ का जरा जोर से खींच देंगे तो उसकी चीज निकल जाएगी। तो पहले तो उसको दो तीन सेशन उसको मैं अंदर जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता है सब जगह से लूज छोड़ने का, कि पहले तो ध्यान रख लेता है देख लेता है कि मुझे इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तब जाके उसकी माइंड से जो जुड़ी हुई नर्व्स है सेल वो चार्ज होते हैं और धीरे धीरे स्टार्ट होते हैं। अभी लास्ट टाइम के ऊपर एक दो हफ्ते के पहले इधर सेमिनार किया था, तो एक फॉरेन से किसी का फोन था कि मुझे फ्रोजन शोल्डर हुआ है, तो मैंने उनको ये सब चीज़ें बताई और बता के उनको बोला करो। तो व्हाट्सएप के ऊपर सब उनके नंबर के ऊपर मैंने सब एक्सरसाइज भेजी वीडियोस हैं किया, दो सेमिनार पहले के हम जब वो कविता जी का था तभी फ्रोजन शोल्डर के ऊपर आए थे। अभी एक हफ्ते पहले फ़ोन आ गया उनका कि डॉक्टर आई एम मच बेटर, 80-90% माय हैंड इज़ द प्रॉपर फ्री, सो आई एम थैंकफुल टू योर, मैं बोला मैं नहीं हूँ, थैंकफुल टू हेल्प लाइब्रेरी जो मुझे इन्होंने मौका दिया तब मैं आपके पास पहुँच पाया। अच्छा ये एक्सरसाइज के साथ में हाँ अगर गर्म पानी या ठंडा नहीं वो आप ले सकते हैं आपको जिससे कौन सा बेटर है, नहीं ईचे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इसके अंदर आपकी स्किन फ्री होने के लिए इसके अंदर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अच्छा
अभी जब स्किन ड्राई हो जाती है तो गर्म पानी से दिया तो तब फास्ट हो जाती है। तो अगर यंग है तो उसको आइस बेटर रहता है, और ओल्ड एज में गर्म पानी से फास्ट होता है। क्यों कि अगर ओल्ड एज आ गया आपको ठंडा बर्फ़ देंगे तो आप सिकुड़ जाएंगे, तो और नेक का मसल स्टीफ हो जाएगा। गर्म देंगे तो जरा आपको कंफर्टेबल रहेगा, तो नेक से जुड़ा हुआ उसके जो सेल है वो फास्ट करेंगे। तो ओल्ड एज में गर्म से थोड़ा एक्सपांड होता है इसके लिए, या तो इसके अंदर सबसे अच्छी में अच्छी है। और एक मैं आपको शो कर रहा हूँ, हाँ कि शावर खड़े हो जाइए, एक और शो कर रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं करने का है। ये टॉवल ऐसे ले लीजिएगा जाड़ा सा, ऐसे बड़ा बड़ा सा नेपकिन, और इसके ऊपर नहाने के टाइम ये शावर डालो, पहले गर्म गर्म लो से जितना आपसे से जितना जितना जाड़ा टॉवल डालोगे इतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अभी जिसका हाथ बिल्कुल पॉकेट में पीछे नहीं जा रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा है, उसको सबसे पहली एक्सरसाइज ये धीरे धीरे, ये देखिए गर्म पानी से शावर से खड़ा रहने का है, आस्ते 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 धीरे धीरे, कैसे एकदम धीरे, जैसे खिंचाव आ रहा है फिर नीचे कर लीजिए। हाँ तो दिन में दो बार तीन बार, दो बार एक बार सुबह और एक शाम बार लिया। फिर जिसका हाथ पीछे नहीं जा रहा है उसको शावर के अंदर ऐसे हाथ लीजिए, आस्ते आस्ते धीरे धीरे, जितना धीरे धीरे जाड़ा टॉवल और गर्म, और ध्यान खाली एक ही बात का रहना चाहिए, शावर की जो धार है वो टॉवल के ऊपर गिरना चाहिए, अदरवाइज चमड़ी आपकी जलने लगेगी। हाँ ये देखिए, हाँ ये जितना आप करते जाएंगे हाथ ऑटोमेटिकली फ्री होते जाएगा। दूसरा हाथ ऐसे लीजिए, तो ये फ्रोजन शोल्डर की ये देखो, ये सब एक्सरसाइज है। अभी आपका इसके साथ में फ्रोजन शोल्डर गया, उसी के साथ की दूसरी बीमारी सबसे, जो हाथ में नमनेस टिंगलिंग होती है, वो फिंगरिंग में 50-60% आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इसी से ही। और अगर बोन अगर डिसलोकेटेड हो गया है तो जल्दी नहीं मिलता है, पर वो क्या हो जाता है कि एक नेचर की एक थियरी है कि हमारे शरीर में सारी हड्डियां अलग अलग हैं, मसल्स उसको जुड़े रहते हैं, तो कई सारे बोन ऐसे हैं वो डिसलोकेटेड होते हैं, तो सुबह जब उठते हैं तब ऑटोमेटिक जगह के ऊपर आ जाते हैं। जैसे हमारे लंबर विजन के L2, 3, 4 ये बोन को कोई सपोर्ट नहीं है, ये डिसलोकेटेड ही होंगे दिन भर में। अभी रात को आप जाते हो कमर की दर्द होती है, सुबह उठते हो खटाक से उठ गया, थोड़ा टाइम में अपना आपका अपने आप ही चला गया ना। तो जब डिसलोकेटेड बोन होता है तब नर्व्स के ऊपर प्रेस आने से दर्द होता है, तो ऐसा ही हाथ का है हमारा। तो हम सुबह देखेंगे बहुत टायर्ड होंगे, ऐसे खाली करते हैं हाथ ऐसे, हाँ कट करके आवाज़ आ जाता है, तो अपने आप ही जगह पे चला जाता है। तो इस नेचर इज द वर्क इज द 100% अपने आप ही करता रहता है। और जितने भी मसल्स के जो भी प्रॉब्लम है सब, पहले तो मेरी एक ही राय है कि आप रात को खाना खा के अच्छी तरह से सो जाइए, नींद आना सबसे पहले कंपलसरी है। दिन भर में आप जब कंप्यूटर पे टीवी पे जिसके ऊपर भी वर्क कर रहे हो कांस्टेंट, तो एक आधा पौना घंटे के अंदर, एक घंटा डेढ़ घंटे में आप घुमाओ बाथरूम ये सब जगह से कर लो, तो इतना स्टीफ नहीं होगा। और फ्रोजन शोल्डर के लिए सबसे लेडीज़ लोगों को अच्छी में अच्छी एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ कि हर तीसरे चौथे दिन अपने घर की जो रूम की सीलिंग है उसको झाड़ू से सिर्फ से वो कर ले तो कभी भी फ्रोजन शोल्डर नहीं होएगा। हाँ लेडीज़ लोगों को एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ कि रोज लेडीज़ क्यों जेंट्स भी करना चाहिए ना नहीं लेडीज़ करेगा तो वो जेंट्स बोलेगा ना मारे हाथ दुखते हो, तो वो बोलते हैं मेरा हाथ दर्द करता है, माई हैंड इज पेन, कम देख माई हैंड ऑल्सो पेनिंग,
But what cure? Why go to doctor? तभी हो क्योंकि घर चलाती है, सब चलाती है, लेडीज ही चलाती है, तो लेडीज को एडवाइस इसके लिए दे रहा हूँ. हाँ, जेंट्स नहीं करेगा तो जेंट्स को तो करना ही पड़ेगा ना. हाँ, तो एक बार अगर किया तो पहले के टाइम में ये नहीं होता था, आज प्रेजेंट टाइम में होते हैं, तो उसका एक ही कारण है सबसे. तो आप अगर आपके रूम की छत को हफ्ते में एक बार कुछ भी आधा पौना घंटा ऐसे आस्ते 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 सब जगह से जाले पारते रहेंगे तो वो भी क्लीन हो जाएगी और ऊपर से आपका हाथ टोटल हमारे शरीर भी क्लीन हो जाएगा, टोटल फ्री हो जाएगा आपका हाथ. आप देखना कि संडे को पहले हाथ कितना नहीं जा रहा है, एवरी वन इट ट्राई इट. हाँ, और संडे को आप खाली एक घंटा आस्ते आस्ते हर एक रूम का झाड़ा जो रहता है सीलिंग को साफ करते जाओ, झाड़ू लेके स्वीप करके आस्ते आस्ते करके जाओ और बाद में आके देखो कि आपके कितने शोल्डर फ्री हो गए. और कुछ आपको किसी को कुछ पूछना है? अच्छा, लास्ट टाइम जब ये नी का ये फ्रोजन शोल्डर का नहीं है, नी का जो एक्सरसाइज बताया आपने, हाँ जी हाँ, वो तो काफी अच्छा है, वो करता था. लेकिन मैंने कोई कोई ऐसे देखे है ओल्ड पीपल, हाँ तो लो, उनको सपोज अभी कुछ प्रॉब्लम है, कभी सूजन होती है, कभी कुछ पानी होता है, हाँ तो ऐसे टाइम में वही बता मतलब क्या है दवाई या बाकी करने से? नहीं, दवाई तो नहीं, जैसे कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं. अच्छा. दवाई तो हर एक ओल्ड एज में, जैसे आपका सूजन आ गया, रेडनेस आ गया, इधर हॉट आ गया, गर्म लग रहा है, पानी हो गया, गर्म लग रहा है, तो उस टाइम पे ये चीजें कम वर्क करती है, मेडिसिन ज्यादा वर्क करती है. नहीं, मेडिसिन तो चालू है. हाँ, लेकिन मेडिसिन के साथ में थोड़ा बहुत नहीं, वो कर सकते हैं. और मैं नी की एक्सरसाइज दिखा रहा हूँ, आस्ते आस्ते कुछ भी मत करिए. जब ऐसे कोई हुए, खाली ऐसे चेयर के ऊपर साइड पे बैठिए, आस्ते आस्ते हाथ सपोर्ट देखिए, धीरे धीरे आते जाइए, ये तो ऑटोमेटिक नी आपके जमीन पे बैठ नहीं, जमीन पे तो अभी सटन एज के बाद तो बैठ नहीं सकते. हाँ, जमीन के ऊपर तो आप बैठ नहीं सकते अभी, अमुक सटन एज के बाद तो खड़े होके बताया था ना. हाँ, और एक खड़े होके ऐसे धीरे से ये करेंगे, धीरे से थोड़ा सा एक आधा फुट ये पीछे रख के आस्ते हाथ पैर ये, तो उसे घुटना कमर पर एकदम सडन विदाउट सपोर्ट के ऐसे झुकना नहीं है आपको, जो लेने का ये देखिए धीरे धीरे ये देखिए, तो उससे आपका नी नीचे तक जा सकते, आ जाएंगे बताओ मैं, नीचे तक जा सकते हैं, वो उसे कुछ नहीं है, पर सपोर्ट से आराम से आप जाओ. हाँ, थोड़ा आइए पीछे, आगे आइए, और हाँ और आइए, और आइए अंदर. हाँ हाँ, अरे अरे, हाँ धीरे धीरे, हाँ अभी फिर ऊपर जाइए, हाँ नहीं फिर ऊपर जाइए, तो हाँ हाथ मत हटाइए, हाँ धीरे से, हाँ जाइए, हाँ गर्दन को नीचे रखिए, हरकत नहीं, हाँ फिर ऊपर जाइए. तो ये पहला एक खुलना चाहिए, पहले लोअर बैक खुलना चाहिए, उसके बाद नहीं खुलेगा. आप अगर सडन जाएंगे तो लोअर बैक अंदर से लॉक हो जाएगा, टाइट होएगा. ये सडन भी तो कौन सा भी करना. हाँ हाँ, और ये जो कर रहा है ऐसे ऐसे धीरे धीरे, देखो इतना ही, ये देखो, ये देखिए बिल्कुल धीरे धीरे, देखिए हाँ हाँ, पूरा पूरा ये देखो ना, पूरा पर पीछे सपोर्ट दे दीजिए. तो उससे क्या होएगा, हिप्स में से खिंचाव आना शुरू होएगा, नर्वस होएगा और लॉक होना बंद हो जाएगा. करिए आस्ते आस्ते, हाँ इधर मत देखिए, नीचे देखिए, हाँ 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 हाँ, देखिए हाँ हाँ, बस फिर ऊपर आइए आस्ते धीरे धीरे, आइए नीचे आइए, हरकत नहीं है. हाँ फिर बस, फिर नहीं आ रहे तो ऊपर आ जाइए ना, फिर नहीं आ रहा है, टाइट लग रहा है बहुत, अपने से सेंड नहीं हो रहा है, फिर ऑन द स्पॉट ऊपर आ जाइए. आपको इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि नीचे तक खींच के जाने का है, हर एक का अपने कैपेसिटी के से जाना है. आप काफी प्रियवन, हाँ तो ये बात, ये जो हमारे
हैमस्ट्रिंग जो मसल्स है वो क्योंकि हम यूज नहीं करते इसलिए टाइट हो जाता है, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे आप नीचे आना शुरू हो जाओगे। और कुछ पूछना है जी किसी को? ओके मिनट आता है इसके ओल्ड एज में स्पेसिफिकली पर मैंने मैं जो बताया कि इन जनरल बॉडी में मतलब नहीं नहीं हम स्टिमुलेटर कब वापरते हैं जब उस पार्ट को फास्ट जो आदमी एक्सरसाइज नहीं कर पाता है तब वापरते हैं स्टिमुलेटर वापरते हैं अदरवाइज वाइब्रेटर वापरते हैं थ्रू एक्सरसाइज मेरा कहना हाँ नहीं वो नहीं ये जो मैं आप जो ये करेंगे तो ये आपको फिंगर तक मिलता है ये फिंगर तक मिलता है पूरे में नहीं और मैंने जो आपको हाथ बताया पूरा आता है ये पूरा आता है मसल को ना हाँ तो सब मिलेगा। और अगर सपोर्ट के बिना करोगे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा ओनली फॉर सपोर्ट से ही बेनिफिट है। ये देखिए और कोई पूछिए किसी को बोलते जाइए किसी को कुछ अंकल जी तो आऊ हो तो ना अरे पहला आई तो आओ कार्ड तो सुबह कार्ड आप ही दे सो नहीं आ तो जेटली था आज ये देखो आज आ खाली हाथ ये हाथ है वो हमारा हैंड ऐसे रहना चाहिए या इसको टाइट पकड़ो अब मैं हाथ आपका ले रहा हूँ हाँ लो हाँ जितना आएगा इतना ही लूँगा मैं आपको आया नहीं ख्याल में लेफ्ट साइड से हाँ नहीं नहीं वो हरकत नहीं है ये देखिए भले ना कम जा रहा है ये देखिए आया नहीं ख्याल में हाँ भले आपका कम जा रहा है उसका कुछ नहीं है ये मूवमेंट होते होते धीरे धीरे आपको इसको पूरी मूवमेंट आते आते आपको 2-3 महीना लगेगा अभी एकदम सडन में देगा क्योंकि ये आपका मसल्स में कहीं टोन नहीं है हड्डी अलग हो गई है मसल्स अलग हो गया तो जब तक ये पार्ट में ये यहाँ आपका टोन नहीं आएगा ये मसल्स नहीं बढ़ेगा सुनिए तब तक आपका हाथ ऊपर नहीं जाएगा तो टोनिंग के लिए करना पड़ेगा मसल टोनिंग के लिए करना पड़ेगा पहले तो सुबह उठ के चाय पानी कितने बजे चाय पानी पीते हो बस 8:30 उठते कितने बजे हैं तो आधा घंटे में चाय ले लीजिए जितना जल्दी ले लेंगे इतना जल्दी हो जाएगा फिर आस्ते आस्ते पहली एक्सरसाइज आपकी टोनिंग के लिए मुट्ठी खाली बंद रखिए हाँ और नेताजी सुभाष चंद्र बोस पैर ऐसे रखिए ये देखिए ऐसे हाँ धीरे धीरे ये देखिए मार्चिंग हाँ ये देखिए ये देखिए ये टोनिंग के लिए पहला अंगूठा अंदर ले लीजिए अंगूठा अंदर ले लीजिए हाँ पूरा आएगा ना इसके अंदर हाँ फुल प्रेस आएगा देखो ना हाँ धीरे धीरे हाँ एक पाँव आगे पीछे थोड़ा हाँ हाँ ऐसे हाँ करिए सब लोग उठ के करिए हाँ जी हाँ करिए करिए हरकत नहीं है वो एकदम ऊंचा लेके जाने की जरूरत नहीं है ये बेंड नहीं होना चाहिए अच्छा हाँ ये फर्स्ट एक्सरसाइज हाँ हाँ जी हाँ ये फर्स्ट एक्सरसाइज ये टोनिंग हाँ इसमें क्या होएगा यहाँ से आपका सारा पहले लूज होते जाएगा हाँ जितना अभी सेकंड एक्सरसाइज इसके अंदर टोनिंग में ये तो आप जब बैठे हो तभी ये सेकंड एक्सरसाइज हाँ फिर तो दूसरा पैर हाँ अच्छा। तो एक पाँच सात पाँच से 10 मिनट आप कर लिया तो उससे क्या होएगा हाथ में आ गया फिर सेकंड खाली मुट्ठी आपको बंद रखने का है एक ही इतना ही सीखने का है अगर आप अंगूठा से यहाँ से खोल के रखोगे तो यहाँ से चलेगा और बंद रखोगे तो इसमें से चलेगा अभी हाँ ये हाथ ऐसे लिया ये देखिए हाँ इसको ऐसे घुमाया सीधा उल्टा कैसे भी जितना करोगे पहला उसमें से सब नर्व्स निकलना शुरू हो जाएगा आया तो पहले
ये जो इसमें 7-9 साथी है इधर ये, और कई टाइप के मसल्स जुड़े रहते हैं। हाँ नहीं नहीं ऐसा नहीं, नहीं दोनों में नहीं 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 एक एक ऐसा हाथ इधर एक रखिए, एक हाथ इधर रखिए, नहीं नहीं एक हाथ बंद करिए, एक हाथ इधर रखिए, एक हाथ ओके। हाँ अभी इसको बंद कीजिए, देखिए हाँ ऐसा, हाँ ये ऐसा ये देखो, अच्छा अच्छा ओके ओके समझिए, देखिए ये एक हाँ, तो इससे क्या होएगा कि आपका हाथ को ये सपोर्ट रहेगा, निकलेगा नहीं किसी, हाँ क्लॉकवाइज एंटीक्लो, आपका हाथ जो वीक होएगा तो जगह नहीं छोड़ेगा, और ऊपर से क्या होएगा कि आपको दर्द नहीं होएगा, सपोर्ट मिल गया। हाँ तो ये जरा ये हाथ जरा वो हाथ, तो विदाउट सपोर्ट से नहीं करें, जितना सपोर्ट से करेंगे इसे सबसे अच्छा। और फिर थर्ड, जब लास्ट में होते हो आप, जब घर पे बैठे हो ये टोनिंग के लिए, ये हाथ ऐसे ले लीजिए, ये देखिए ये ऐसे ले लीजिए, हाँ 1 2 3 4 5 हाँ आस्ते आस्ते 1 2 3 4 5 हाँ, अभी आपका नहीं पहुंच रहा है तो उसको आप कोशिश मत करो। अभी अभी पहली आपकी दो एक्सरसाइज बताइए वही खाली, मार्च और नेक्स्ट मंथ में आप आइए दूसरी दिखाएंगे, पर ये जो ईमानदारी से किया तो ही नेक्स्ट मंथ में मिलेगा आपको बेनिफिट। जैसे पापा घुटनों से चलते नहीं थे, पूछो चलो आइए आइए, अभी बोलो 5 माले चढ़ के आएंगे, ये देखो बोलो, ये जब मेरे पहले सेमिनार में आप बोलो क्या तकलीफ था, बोलिए बापूजी। मेरे को थोड़ा ये घुटनों का तकलीफ था, ऑपरेशन बोला था और डॉक्टर ने सलाह दिया आपको ये बल, हम थोड़ा सोच में पड़ गए हैं। देखो सुनो 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 कितना चल, ये एक्सरसाइज कितनी कितनी प्रैक्टिकल और कितनी इफेक्टिव है, करीबन 1.5-2 महीना किया है जो एक्सरसाइज बताया वो, अभी मेरे को काफ़ी फायदा हुआ और डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं पड़ा है। और कितना माड़ा चढ़ के आए बोलो, ये बनती लिप्ट और बोला आपको दोनों घुटनों को बदलना पड़ेगा इसको, तो ऐसे तो कई सारे पेशेंट्स हैं जिसके 5-5, 6-6 सर्जरी बोले हैं हिप्स, और आफ्टर सर्जरी के बाद मेरे दवाखाने में सबसे ज़्यादा पेशेंट आफ्टर बैक सर्जरी, आफ्टर नी सर्जरी, आफ्टर हिप सर्जरी, जो 12 महीना 1.5 साल तक सब जगह थक गए ना वही पेशेंट आते हैं। तो उनको बोलता हूँ कि पहले तो क्या है कि और बहुत सारी एक्सरसाइज हैं कैसे किया जाए, पर मैं सब शो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हर एक की डायग्नोस के हिसाब से ये एक्सरसाइज खाली दिखाते हैं। ये मैंने ये जो आपको अभी दिखाया इन जनरल है, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी आदमी कर सकता है, इससे किसी को नुकसान नहीं होने वाला है। तो ये है अभी आप लोग हैं, सबसे पहले तो घुटनों के लिए सब दुखी हैं, पहले तो क्रॉस लेग छोड़ दो, फिर इन लेग छोड़ दो, अंदर डाल रहे हो है? तो आधा तो घुटना वैसे ही फ्री हो जाएगा, वो सब में यही आ गया ना। अब ना वो तो क्या है, हरे का नाम है, एक माँ का 5 बेटा रहता है, कन्नू मन्नू चन्नू चन्नू, वैसा हमारे में स्पॉन्डिलाइटिस हाँ स्लिप डिस साइटिका आर्थराइटिस ये सब नाम रहते हैं एक माँ के सब बेटे, पर उत्पत्ति कहाँ से हुई रोग की वो मैंने आपको बता दिया कि क्रॉस लॉक छोड़ दो, एनर्जी लॉक हो जाती है नहीं हाँ, क्यों कि ऐसा रहेंगे ये पार्ट आपका वीक होएगा, ऐसा रहेंगे यहाँ से टाइट होएगा, तो पैर ऐसे शुरू हो जाएगा, फिर ये पेन आपका आना शुरू होएगा। तो बड़ी उम्र के बाद जब आपका मसल डिले हो गए तो कभी भी नीचे पालथी मार के मत बैठिए, तो आधे बच जाओगे। जिसका वेट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ओवर वेट है, उसको चलने का नहीं तो वेट फास्ट कम होएगा। जिसको घुटनों में काफ़ी सूजन है, चल नहीं सकते, उसको हल्का सा ये पैर हिलाने का एक्सरसाइज के सिवाय कुछ नहीं करना, उसको चलना नहीं, जब तक सूजन नहीं उतरती है तब तक चलने को नहीं जाए, तो घुटने पे जो इतना जो दुखी हो रहे हैं उसमें से आप बच जाओगे। तो सब लोग बोलते चलो, और आफ्टर 40 के बाद
सडन वेट लॉस करना नहीं, ये वेट लॉस के लिए सब पैड लगाते हैं इधर। सबसे बड़ी साइड इफेक्ट मैं बोलता हूँ कि पीछे ये रिपेयरिंग के लिए मेरे बैक के लिए आते हैं। तो जितने भी ये पैड लगाएंगे ये सब वेट लॉस करते हैं। वेट किसका भी लॉस नहीं होता है, शरीर में से मसल्स में से खाली पानी निकल जाता है, नहीं कुछ नहीं करती है, खाली मसल्स में से पानी निकल जाता है। आप जितनी भी टेक्निक है, वेट लॉस की कोई टेक्निक नहीं है, उल्टा आपको कमर आने वाला है। क्यों? कि ये जो कमर, ये जो मसल्स में से जब निकल जाएगा तब आप ऐसे झुक जाओगे, आपको लग रहा फ्लेक्सिबिलिटी है, पर ये सब मसल्स, आप जब झुक रहे हो तब ये मसल्स में कैपेसिटी होनी चाहिए, आपको खींच के रखना चाहिए। वो खींचने की कैपेसिटी उसे ख़त्म हो जाएगी, लूज हो जाएंगे, इसके लिए आपको बैक पेन आएगा। और जितने भी आप देखेंगे कि वेट लॉस किया एकदम दिख रहा है, तो उसको पूछ लेंगे 15 महीने दिन के बाद, फिर कमर का दर्द देखें तो ऐसे ही बोलेगा, आपको कैसे पता, पहले नहीं था, पता नहीं कैसे आ गया। और ये कई लेडीज है जो बोलती है ना कमर आती है, तो उसको कल ही बोलते हैं कि वेट उतर रहा था क्या, हाँ पर त्यारे तो तभी तो बहुत अच्छा लगा। तो ये वेट लॉस स्टमक के होलो है, इसके ऊपर कुछ भी आप नहीं दे सकते हो, ये जो पेट लगाने का ये सभी जो है नहीं, डॉक्टर्स कोई भी होएगा वो एडवाइस नहीं देगा। पर हमारे यहाँ क्या वो बोलेंगे जर्मन टेक्निक है, जापनीज टेक्निक है, बाहर के देशों के है? और इजी टू वे जो जाने का है ये, मेरी एक पेशेंट थी, मैं एक ही दो मिनट में बता रहा हूँ। एक पेशेंट को डॉक्टर ने, सब लोगों ने बोला था कि माँ जी घुटना दर्द होता है, आप 40 किलो आपका वजन कम कर दो। मैंने वो पेशेंट को, दूसरा पेशेंट ने जो वेट उतारा था उसका नंबर दे दिया, बोलता है डॉक्टर ने मुझे मना किया था, मैंने उतारा है, अब मैं क्रेन से कोई उठावे तो उठाऊँ, नोड़ा देख लेना। क्यों? कि आपका घुटने का जिसका भी वेट होए धीरे धीरे अगर सडन निकल गया पानी, तो आपका घुटने का तो छोड़ो, हिप के मसल्स में से जो पकड़ना चाहिए एक ग्रिप, वो तक निकल जाएगी। तो कभी भी सडन नो वेट लॉस, दौड़ो मत, जिस डॉक्टर को पकड़ा उसी को पकड़ो। और सबसे अच्छी में अच्छी थियरी क्या, कि पहले तो अभी रिटायर लाइफ होए तो सब लोग टीवी के सामने ये बंद कर देने का। हाँ जी, और चलते रहते हैं और यहाँ खाते जाते हैं। हाँ जी सर।